अब ये मत बोलना खराब लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, अ न्यू डे न्यू मॉर्निंग, बी यू क्रिएट न्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे विद द वीडियो। एंड लॉकडाउन जो है यार वो खुल चुका है दोस्तों, लॉकडाउन खुल गया और लॉकडाउन खुल गया, मतलब आपको पता है इतना ज़्यादा रिलीव्ड मैं फील कर रहा हूँ। किन टर्म्स में आप पूछो, किन टर्म्स में तो रिलीव्ड फील कर रहा है हर जानने पे, ना कोई रोक टोक, ना कोई ऑब्जेक्शन, ना कोई दिक्कत, रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हो गई है एंड अपना जो माइंड है वो बाहर जाने फ्री रहेगा। ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर देता हूँ, ये सब बर्दाश्त कर लेना एंड सब्सक्राइब कर दो विद द बेल आइकन ऑन एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर क्लिक करो, सीधा मेरे मोटो स्टोर पर पहुँचोगे, फटाक से मेरे इंस्टाग्राम पर पहुँचोगे। एंड फॉर एनीवन जिसका मोटो स्टोर पर ऑर्डर्स पेंडिंग थे ड्यू टू द लॉकडाउन, अब ऑर्डर्स खुल चुके हैं होने, यू कैन ऑर्डर योर गुड्स नाउ, कैटलॉग दे रखा है, कैटलॉग धीरे धीरे अपग्रेड होगा, धीरे धीरे एक्सटेंड कर रहे हैं हर चीज़ को। यहाँ पर हमारी क्लासेस चल रही हैं, ये भी पूरे ध्यान से ली जा रही है एंड साथ में चल रही है ये वीडियो की रेंडरिंग। रेंडरिंग जो है वो 4K में होती है एंड इसको मैंने एक ऐसी सेटिंग के अंदर डाल दिया है कि ये 4K 10 मिनट की 4K वीडियो 10 मिनट में रेंडर, क्वाड स्पीड है यार, पहले बहुत टाइम लेता था। बस मोटो स्टोर इंडिया पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं फर्स्ट टाइम इन द सेगमेंट, तो आई विल टेस्ट इट डाउन कम्प्लीटली दैट वॉट आर इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। चलो आपसे एक मस्त सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो अगर मैं हेयर स्टाइल, जितने लोगों को पता है मेरा हेयर स्टाइल क्या होता है, यहाँ से नीचे जाके यहाँ से ऐसे चले जाते हैं, ठीक है, दैट्स वेरी कॉमन इंडियन हेयर स्टाइल, तो अगर मैं हेयर स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो मैं कैसा करूँ, आप बताओ। मतलब जो बोलोगे वो करके देखेंगे, आप बताओ के देखो, एक बार कमेंट सेक्शन भर दो कि मैं कैसा हेयर स्टाइल करूँ, मतलब बीच में से इधर करूँ, भाई गंजा हो जाऊँ, जो मर्जी जो बोलना है करो, एंड लेट्स सी कि कैसे कैसे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं एंड कमेंट जो है वो सबसे बढ़िया वाला पिंग करूँगा। बाकी टॉपिक बताओ गाइस कि किस टॉपिक पे और वीडियोज़ बनाए जाएँ, जल्दी बताओ, लॉकडाउन खुल चुका है एंड जगह बताओ कि दिल्ली के आसपास कहाँ जाया जाए। डिफरेंस देख रहे हो बालों में क्या आता है, एक बार धुलने के बाद ये रात तक वापस वैसे ही हो जाएंगे। ऑलिव ग्रीन पैंट्स एंड दिस ब्लू शर्ट एंड वाइट शूज बिकॉज वी विल बी गोइंग ऑन द बाइक एंड मैं चाहता हूँ कि भाई कम से कम हीट अब्जॉर्ब करें हम भी कम से कम रेजिस्टेंट हो हीट के, क्योंकि बहुत गर्मी है। बचपन में यही सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्साइट करती थी ना, इसकी जो आवाज़ होती थी एक, अरे वैसे तो आज मैं आपको वीडियो का पर्पस ही बता दिया कि आज हम जाने के वाले करने के वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई विल गो टू करोल बाग, पता है ना आपको क्या हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, फर्स्ट थिंग ये एंड दूसरी चीज़ आई हैव टू गो टू गाजियाबाद टू कलेक्ट सम बिग सैंपल्स जो मैंने आपको सुबह बताया था। इसको आप कह सकते हो कपड़ा या फिर अपना बारकलावा, तो ये पहनेंगे बिकॉज स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो आई एम नोटिसिंग दैट आई एम सो एक्साइटेड टुडे, एवरी राइडर इज, एवरी बाइकर इज। Oh my god, we are out today with a top box and the complete setup. And जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरी जो बाइक का हैंडल है वो लूज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वॉबल कर रही है बाइक हल्की हल्की, समझे, तो इसको भी ठीक कराएंगे। बहुत थोड़ी कम थी वो करवाया, इसका पंचर हो रखा था वो करवाया एंड आई लव द वाइब यार, एक अलग ही फील है। अब बेफिक्र होकर बाहर निकल रहे हैं, बेफिक्र होकर, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई रोकेगा ही नहीं। कॉलर जो है वो हमने अंदर कर लिए हैं बिकॉज ये काफ़ी शोर करते हैं। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस करी है गाइस कि इसका जब से मैंने थ्रॉटल की क्लीनिंग करी है तब से क्या स्मूथ हो गया थ्रॉटल। ओए होए, लीनिंग लीनिंग लीनिंग, ओ यस, एंड द बाइक इज़ परफॉर्मिंग मोर गुड इन समर। ये मैंने पिछली गर्मियों में भी कहा था कि जितनी ये गर्म हो जाती है उतनी ही अच्छी परफॉर्म करती है, आई डोंट नो वाई। ठीक, बढ़िया, कैसे हो, अभी तक तो बंद ही होगी सारी, चलो बढ़िया, अरे सब बढ़िया सब बढ़िया। अब आप खुद सोचो कि पिछले 1.5 महीने से दुकान सारी की सारी बंद थी एंड इट्स वॉज अ क्रूशल टाइम फॉर एवरी वन, सो यू कैन सी एंड हैव एन एस्टिमेट दैट यार डब्बों के साथ ना ध्यान से चलानी चाहिए बाइक मुझे भी। हेलो, क्या हाल है भाई, गले लगो भाई, गले लगो, क्या बात है भाई, मुबारक हो भाई, मार्केट खुलवा दी आपने फिर से। एंड यार कितना नॉर्मल लग रहा है यार सच में। एंड चैनल पे आगे कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मोड्स आने वाले हैं इसके, सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ़ यू आर न्यू सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। सो गाइज हम निकल चुके हैं टूवर्ड्स गाजियाबाद एंड आई लव द फीलिंग कि यार काम फटाफट हो रहे हैं, लॉकडाउन खुल चुका है, सब खुश हैं, पर यस
दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ माई जर्नी, एंड इन सबसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच कि आप मुझसे जुड़े हो। एंड इसको यार थोड़ा सा ऑफ रोड लेके चलते हैं कि क्या रिएक्शन होता है एक टॉप बॉक्स का। ओए 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 भाई साहब, अंकल जी भी ऑफ रोड करेंगे। ओ यस, मारो पकड़ के भाई मारो। सबके साथ एक रिक्वेस्ट है, जब भी आपको कोई पुलिस वाला रोके रुक जाए करो, एंड जो वो कह रहे हैं सुन लिया करो। एंड लेट्स सी इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है अपने। ओ ये ऐसे ही चलता है यार गाइज, अपनी फीड भी देखोगे ना फुल बाइक्स वगैरह से भरी हुई है, एंड रॉयल इनफील्ड स्पेशली इसके अंदर आने लग गई है गाइज। इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी करो, एंड यहाँ पर 5000 करवाओ यार, 938 चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 1200 लोग चाहिए यहाँ पे, जल्दी 5000 करवाओ यहाँ पर। आई एम हेयर एट गाजियाबाद एंड आई डोंट नो कि एंगल कैसा होगा और रिकॉर्डिंग कैसी आ रही होगी। दिस इज़ द कंप्लीट इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर बाइक खड़ी हुई है एंड शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, एंड इसके ऊपर पूरी धूल वगैरह जम चुकी है। यही होता है एक सिटी के अंदर। एंड द बाइक हैज़ परफॉर्म्ड एब्सोल्यूटली ग्रेट, मतलब मज़ा आ गया इसको चला के यार। आज इतना लंबा पहली बार लेकर आया, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स, एंड ये सब जो इधर उधर हम जा रहे हैं, एक चीज़ बहुत जल्द आने वाली है, ये उसी की तैयारी है। ओ भाई साहब, मतलब गाजियाबाद इज़ अ कम्प्लीट ट्रैप यू नो। तुम यहाँ अगर चलाना सीख गए तो मतलब तुम हर जगह चलाना सीख गए दोस्तों, समझे। सो अगर आपको गाड़ी बाइक और कुछ भी यहाँ तक साइकिल भी सीखनी हो तो वेलकम टू गाजियाबाद, एक बार गाजियाबाद आए। ओए होए, एंड वी आर ऑलमोस्ट, देखो फोन यार मुझे कितना सेटिस्फाइंग लगता है, पीछे डब्बे में अपना सामान आ गया है एंड यहाँ पर अपना फ़ोन आ गया है, यहाँ पे मस्त नेविगेशन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू हैवन वॉच दिस वीडियो देन डोंट मिस दिस आउट, एंड अभी जाके चेकआउट करो गाइज। इसको लगा के यार मैं बहुत सॉर्टेड हो गया, ये वाइब्रेशन रोड में निकाल दूंगा, आई एम सेइंग फ्रॉम मेनी डेज, पर पक्का मैं इसको निकाल दूँ। अरे कहाँ की बस है ये, मेरठ उत्तर प्रदेश परिवहन, इसे बस से जितनी दूर रह सकते हो ना उतना दूर रहा करो, एंड अब एक बार मेन हाईवे पकड़ लेना। सॉलिड ट्रक है यार ये तो। ओ टो 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 फ्रॉम एनी वन फ्रॉम हियर गाइज, वी लव यू यार। मैं सिर्फ मजाक के लिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ट्रैफिक वाला सीन अपना यहाँ पर, ऐसी सीरियसली मत लेना। सो आई स्टेप्ड हियर फॉर अ वाटर ब्रेक, अंकल जी ने अपनी बुलेट का मस्त एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत अच्छी लग रही सीट्स में, क्या मैंने इंक्वायरी ली। पानी पीकर भाई कितना मज़ा आता है सच में यार, बहुत मतलब रिलीविंग रिलैक्सिंग, सारी टेंशन ख़त्म। एंड मैंने स्लीव्स वगैरह जो है वो ऊपर कर ली है, एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं यार, ग्लव्स खरीदने का इस मेरे साइज़ के ग्लव्स नहीं मिल रहे, मतलब इतने भी बड़े नहीं है मेरे हाथ, इतने भी वाइड इतने भी ब्रॉड नहीं है, पर मेरे साइज़ के ग्लव्स एक्चुअल में नहीं मिल रहे हैं, जो मिल रहे हैं दैट इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर माई साइड, मतलब 3 से 4 हज़ार रुपये के वो पड़ रहे हैं। आई थिंक 3 से 4 हज़ार रुपये इज़ नॉट वर्थ स्पेंडिंग ऑन ग्लव्स, तभी मैं नहीं ले रहा हूँ। सो यहाँ पर हम फंस चुके हैं एकदम, बिकॉज दैट साइड द फार्मर्स प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन, एंड यहाँ से यू टर्न की कोई प्रॉबेबिलिटी नहीं है, तो गूगल मैप्स घुमाए जा रहे हैं, तो इस चक्कर में हम भी घूमे जा रहे हैं। कभी कभी ना आप डर जाते हो कि वेयर द प्लेस इज टेकिंग, कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, वही मेरे साथ हो रहा है। भाई कहाँ घुमा दिया यार, ये तो हमारा हिल स्टेशन आ गया गाइज यहाँ पर, एंड हम एक ही झटके में गाइज, एक ही झटके में स्ट्रगल के साथ, फुल पैशन के साथ, अपने राइडिंग के जज्बे के साथ हम पहुँच चुके हैं। पहाड़ मत मानना इसको यार, ये यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर शूटिंग हुई थी उसकी लीला मूवी की, जो लीला यू मस्ट हैव सीन ऑन दैट नेटफ्लिक्स, इसमें हुई थी, हाँ इसी में हुई थी, पक्का इसी में हुई थी। पर ये कूड़े का पहाड़ है और यहाँ पर इतनी खुशबू आ रही है गाइस, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। आजा, तेरे लिए कितना तरस गया था मैं, तेरी खाली खाली रस्ते को लेकर इतना परेशान हुए थे, सारे रस्ते जो बंद पड़े थे, पीछे से रास्ता बंद है तो पीछे से कोई नहीं आ रहा है, ये रास्ता यहाँ से शुरू हो रहा है, ये हमारा हाईवे है। अरे यार मजाक करता रहता हूँ गाइज, आई वॉन्ट टेल यू ऑल दैट इस बाइक का नाम मैंने रख लिया है लियो, LEO लियो, ओके। सो हाथ पकड़ लेते हैं, पैर जमा लेते हैं एंड क्रूज करते हुए चलते हैं अपने घर को। ओ माई गॉड, वाह यार, मतलब मुझसे स्पीड बर्दाश्त नहीं हो रही, इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा है इसके ऊपर। ओहो लगता है मैं सेंटर लेन में आ चुका हूँ, इस लेन में आ जाता हूँ। 100 पे क्रूज कर रही है गाइस, 100 सनसेट हो रहा है गाइस, क्या सनसेट है। Scoring, now you get a taste, yeah you know it, rolling dice, the odds are off my side, losing vibes, cause you are not.
और ये पता नहीं गूगल ने हमें लोधी लोधी कॉलोनी में घुसा दिया गूगल ने हमें। मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था हम लोधी के अंदर है। गाइस आपने ऐसी बोल देखी होगी कई सारी वीडियोस के अंदर, और हम लोधी कॉलोनी में, क्या बात है क्या बात है। एंड यहाँ पर पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स है वॉल पर, देखोगे वाह यार क्या दिन है यार, मतलब आपको सब चीज। अभी ये रोड इतनी ज्यादा घूमती है कि अगर आपने कट लिया है ना तो आप भूल जाओगे थोड़ी देर के लिए कि इतनी ज्यादा घूमती है। ये देखो अभी घूमी हुई है, अब मेरी बाइक टेढ़ी है ना तो टेढ़ी रहेगी। अभी ये देखता लीन है भी है बाइक, देख लो वाओ। एंड इधर मेरे एक दोस्त रहता है गाइस, आर्यन प्रसाद फ्रॉम नैनीताल ट्रिप, यू मस्ट बी नोइंग हिम। थोड़ी सी सीधी हो गई है फ्रेंड्स, लेकिन फिर घूम जाएगी। रॉयल एनफील्ड ना, रॉयल एनफील्ड है इसको। केटीएम मत बनाओ, केटीएम मत बनाओ, ठोके ठोके जाओगे। देखो हाल देखो यार, ओ यार क्या कट भाई, मत भगा, बहुत बेइज्जती हो रही है यार रॉयल एनफील्ड को ऐसे। ओए होए फुल ऑफ रोडिंग आ गई है गाइस, फुल ऑफ रोडिंग आ गई है। इस पर सैडलिंग भी नहीं कर सकता हूँ मैं। KTM को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, KTM अपनी जगह ठीक है, रॉयल एनफील्ड अपनी जगह ठीक है। एंड वापस आते आते जो अपना मेमोरी कार्ड है GoPro का वो फुल हो चुका था, तो उसके चलते ज़्यादा शॉट्स नहीं ले पाया। जितनी बातें कर पाया उतनी, डैट वॉज ऑल इनफ। टॉप बॉक्स के अंदर बहुत सारा सामान है ऐसा, एंड जिन लोगों को ये टॉप बॉक्स के अंदर इंटरेस्ट है, दिस विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 19,000 to 20,000 रुपीज ओनली द टॉप बॉक्स, बिकॉज दिस इज हैवी ड्यूटी हैवी क्वालिटी एंड दिस इज हाफ द प्राइस ऑफ व्हाट द बिग ब्रांड्स आर गिविंग। सो यू कैन जस्ट आस्क मोटो स्टोर इंडिया, लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। इसके अंदर भी है कुछ, पर वो पहले टेस्ट होगा, पहले चेक होगा, उसके बाद ही मैं डिस्क्लोज करूँगा। सो ये जो चीज़ है ये काफ़ी लोगों को लगेगी अच्छी, पर काफ़ियों को लग सकती है काफ़ी ऑड ऑन दिस बाइक स्पेशली है। सो 3, 2, 1 दिस इज़ द विंडशील्ड ऑफ हिमालयन दैट आई विल बी फिटिंग ऑन क्लासिक 350। इसके कस्टम क्लैम्प्स वगैरह बनाकर आप सबके लिए लेकर आऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड ऑन मोटो स्टोर इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। बी यू, क्रिएट न्यू, एंड इन बॉटल्स के अंदर जो है वो जल्दी बताऊंगा। एंड अपना ध्यान रखो, पानी वानी पीते रहो। एंड मैं सिर्फ पानी पीने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि वही आपके लिए सेहतमंद है। ज़्यादा चालू मत बनना नहीं तो बेटा चलो चाओ ऐश करो।